हेलो बच्चों, आज साइंस फ्रॉम अंकुर विला में नया टॉपिक इनर्शिया। आपको याद होगा इससे कुछ दिन पहले एक टॉपिक कवर किया गया था यहाँ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट मैंने ऐसे ही लिखा था जैसे इनर्शिया के डेफिनेशन में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक बार रिमाइंड करा देते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट or is in a state of motion, it will remain in the same state until and unless an external force is applied on it, right? यही था ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ स्टेटमेंट, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी मैं एक बार फिर कर देता हूँ कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूसली रेस्ट पर है, मीन्स वो प्रीवियसली रेस्ट पर है, इनिशियल कंडीशन में रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगी अंटिल एंड अनलेस वो बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए और उस बॉडी को मोशन में लाया जाए। सिमिलरली अगर कोई बॉडी इनिशियली मोशन में है, तो वो बॉडी अंटिल एंड अनलेस मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे उस टाइम पे, मुझे इस समय वो एग्जाम्पल्स याद नहीं है कि वो एग्जाम्पल्स क्या कंसीडर किए थे उस टाइम पे, लेकिन शायद आई थिंक एक एग्जाम्पल बस का लिया था हमने। बस में दोबारा से आप सिर्फ समझ लो कि ये बस है या एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसपे एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, बस मूविंग है, कुछ इस डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ पर एक ड्राइवर बैठा हुआ है जिसके पास एक ठीक, ये उसकी सीट है, ये उसका ब्रेक है, ये यहाँ पे रोकने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही ये आदमी, ये ड्राइवर, ये ड्राइवर यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करेगा, तो ये बस, ये मूविंग ऑब्जेक्ट या जो भी आप समझना चाहें, ठेला, जो आपको अच्छा लगे, है ना, उस केस में मान लेते हैं कि ये ड्राइवर जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा तो होगा क्या, ये पूरी की पूरी बॉडी, इसको हम यहां पर निकाल लेते हैं, तो ऐसे देखते हैं कि ये वाला जो आदमी है, इसकी पूरी बॉडी, फुल बॉडी मोशन में है, ये सर भी इसका, ये पार्ट, दोनों हाथ, ये पार्ट, ये दोनों पैर, और जिस चीज पर ये खड़ा है, ये सारी की सारी चीजें मोशन में है, ये पूरी तरीके से चल रहा है, राइट। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा तो ये वाला जो पार्ट है बॉडी का, लोअर पार्ट जो उसके पैर है, एग्जैक्टली ये जगह, ये जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा इस मूविंग ऑब्जेक्ट पे, ये रेस्ट पर आएगा। सिमिलरली एट द सेम टाइम इसके दोनों पैर भी रेस्ट पर आ जाएंगे, बट होगा क्या इसमें, इस चीज में, कि इसके दोनों पैर तो रेस्ट पर आ जाएंगे, बट इसके पूरी बॉडी का जो ये अपर पार्ट है, ये सारा का सारा मोशन में रहेगा। और जब ये मोशन में रहेगा तो क्या होगा, ये कुछ इस कंडीशन में आपको दिखने लगेगा, इसके पैर तो अपनी जगह पर रुके रहेंगे, ऐसे मान लो ये उसके पैर हो गए, पर उसकी बॉडी इस तरीके से स्लैंटेड पोजीशन में आपको दिखेगी, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। थोड़ा सा ध्यान से बताएं, ब्रेक अगर लगेगा, ये मोशन में थे तो क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ जाएगी या बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, एग्जैक्टली बॉडी आगे की तरफ ही जाएगी, लेकिन पैर यहां रुके रहेंगे। होगा क्या कि बॉडी, ये इसका जो स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट है, उस पूरे बॉडी की, इस आदमी की बॉडी के स्टेट चेंज होने लगेगी, तो इसका दिमाग कहेगा कि नहीं, मुझे स्टेट तो चेंज करनी नहीं थी, लेकिन अगर मैंने स्टेट चेंज नहीं करी तो क्या होगा कि पैर यहां रुके हुए हैं, मैं आगे बढ़ूंगा तो पूरी बॉडी फॉल डाउन हो जाएगी, और ये कुछ इस कंडीशन में आपको दिखाई देगा, रोता हुआ आदमी। तब क्या होगा, उसी केस को, इस चीज को जो रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहा था इनिशियल कंडीशन में, यानी हम ये मान लेते हैं ये है हमारी इनिशियल कंडीशन है, ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी, और हमारी दूसरी फाइनल कंडीशन ये हो सकती है कि ये आदमी अपने आप अपनी मोशन, अपने स्टेट को चेंज करे और खड़ा रह जाए, और ये हो गई इंटरमीडिएट स्टेट, जिस समय बीच में, तो यहां पर इसकी बॉडी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट What? That is inertia. Now define definition of inertia is written in front of you.
A resistance offered by an object to change its state, this property of an object is called an inertia. Nothing else. Inertia और कुछ नहीं होता, सिर्फ वो resistance है जो एक body, एक object, जो आपको term ठीक लगे, जो term आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रखने में आसान रहे, उस term को use करते हुए यहाँ पे बोल सकते हैं resistance offered by an object. Object, body, कुछ भी जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, यानी अपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, और उस केस में ये मान लेते हैं कि उसकी वो स्टेट को चेंज नहीं होने देगी फॉर अ टाइम बीइंग. फॉर टाइम बीइंग, अगर टाइम बीइंग की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो उसके स्टेट को चेंज नहीं होने देगी. फाइनली वो चेंज होकर रहेगी, बट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, जो ऑफर हो रहा है हमारे फोर्स को, वही है इनर्शिया. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें कंसीडर करते हैं. हमारे हर केस में ये तो रहेगा ही, इसका एक प्यारा सा नाम ढूंढ के मुझे आप कमेंट करो. ठीक है, इसके पास यहां पर रखी है एक फुटबॉल. ठीक, फुटबॉल रेस्ट पर है, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी रेस्ट पर ही है. ठीक, ये दोनों इस समय रेस्ट पर है, पर ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन हमारा यहां पर रेस्ट पर ये फुटबॉल है. ठीक, एक और केस कंसीडर करते हैं. अभी भी यही यही वाला ऑब्जेक्ट, लेकिन इस बार क्या है, यहां पर एक इनरेगुलर ऑब्जेक्ट है. कंसीडर इज अ रॉक. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसकी शेप और इसकी शेप सेम है. ठीक है, बट वो फुटबॉल है. यू आर वेरी वेल नो कि फुटबॉल के अंदर क्या होता है, हवा होती है. फुटबॉल बनी किस चीज से होती है, इफ इट इज ऑफ वेरी बेस्ट क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी तो वो लेदर से बनी होगी, रेक्सिन से बनी होगी, रबड़ से बनी होगी. ठीक है, लेकिन जिस पीस की बात हम कर रहे हैं, सेकंड केस की, इस सेकंड केस में ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हार्ड रॉक है. ठीक, हार्ड रॉक होने की वजह से ये किस मटेरियल से बना होगा आपको पता है, मिट्टी से, कंकड़ से, पत्थर से, कुछ भी हो सकता है ये. ठीक, दोनों केस में सेम टाइम पे, यानी एट टाइम इक्वल टू टी, सेम टाइम पर जब ये केस होगा तो दोनों ही अपने अपने रखे हुए सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को हिट करने की कोशिश करेंगे. जब ये हिट करेंगे तो क्या होगा, जब ये इस टाइम पे इसको हिट करेगा तो क्या होगा, बॉल यहां से जाके यहां चली जाएगी, मे बी ऐसे जा सकती है, मे बी ऐसे जा सकती है, मे बी और ऊपर करके यहां पर जा सकती है, कहीं भी जा सकती है. ठीक है, मेरे पास इतना ही स्पेस है इसलिए मैंने यहां पर रखा. बट इस केस में क्या होगा, जब ये इसको फुट हिट करेगा अपने पैर से, रॉक विल नॉट मूव, इट विल रिमेन एट रेस्ट, बिकॉज यहां जो फोर्स हम यहां लगा रहे हैं सेम फोर्स यहां पर लगाएंगे. तो फुटबॉल और रॉक के केस में फोर्स सेम है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. इसके केस में भी इनर्शिया काम करेगा. आप बोलोगे कि यहां पे इनर्शिया काम कर रहा है, यहां पे इनर्शिया काम नहीं कर रहा है. ऑब्वियसली इनर्शिया दोनों जगह काम करता है, इनर्शिया हर जगह रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस उसको देगा. बट होगा क्या, फुटबॉल है उसका मास कम है, रॉक है उसका मास ज्यादा है. ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा. अगर हमें इस रॉक को यहां से हटा के यहां थोड़ा बहुत भी यहां ऐसी जगह पर डिस्प्लेस कराना है तो क्या करना होगा, यहां पे F को चेंज करना होगा by F1 with, और यहां पे कंडीशन होगी F1. F1 is greater than F. तो क्या होगा, फोर्स बड़ा हो जाएगा. जब फोर्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये कुछ हद तक डिस्प्लेस कर जाएगा, बट इनिशियल कंडीशन में और फाइनल कंडीशन में, मतलब F और F1 दोनों केस में, उस हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके पैर में चोट जरूर लगेगी. ठीक है,
here comes the in picture second statement. The mass of an object is a measure of its inertia. पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने कुछ और बताया था आपको, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था. दूसरे वाले एग्जाम्पल से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस चीज का मास ज्यादा होगा उस चीज में इनर्शिया का इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि वो अपने आप को स्टेट को चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस उससे ज्यादा प्रोवाइड करेगी. गॉट इट? आज के सेशन के लिए इनर्शिया इतना ही. नेक्स्ट टाइम कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. अगर ये अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो, दोनों केस में आपको कमेंट करना है. साथ ही साथ इससे पहले मैंने एक चीज पूछी है यहां पर, वो भी आपको कमेंट में बताना है. ठीक है, थैंक यू, बाय.